अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर आइसक्रीम और ये बाजार की मटका कुल्फी से भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो मिल्क पाउडर आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 ग्लास हमने दूध लिया है, फुल फैट दूध, और 600 ml दूध है ये। 1 कप लेंगे मिल्क पाउडर, अमूल का मैंने लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और वेट में मेजरमेंट करें तो ये 100 ग्राम है। 1 टेबल स्पून लेंगे कटे हुए पिस्ते और 1 टेबल स्पून लेंगे बादाम कटे हुए। 5 टेबल स्पून लेंगे चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून एक चौथाई छोटा चम्मच लेंगे वनीला एसेंस। तो ये चीजें चाहिए मिल्क पाउडर से आइसक्रीम तैयार करने के लिए। तो ये हमने ले लिया पैन और इसमें दूध को ट्रांसफर करेंगे, 2 ग्लास दूध, और दूध में एक बॉयल आने देंगे। तो दूध में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें डाल लेंगे चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी मिक्स हो चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे, इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बाकी का ये भी डाल देते हैं लास्ट वाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिए, तो मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते, बादाम, और फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा रेड्यूस नहीं हो जाता। और इस तरीके से हम इसको चला देंगे बीच बीच में एक दो बार। तो दूध अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का आधा हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। तो हम इसको एयरटाइट कंटेनर में निकाल लेंगे, आप किसी भी मोल्ड में, कंटेनर में या आइसक्रीम कप में निकाल सकते हैं इसको। तो ये कितना गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसका लिड लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे डीप फ्रीजर में 1 दिन के लिए। तो आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है, इसको हमने डीप फ्रीजर से निकाल लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।